17 अगस्त 2022। अभी पढ़ते हैं प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। प्रश्न, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहे तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं है। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे, किन कौन सा बाप है, यह तो सिर्फ तुम जानते हो और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। बल बाबा साई मेहर बाबा है कहते हैं, परंतु वह लोग कुछ भी समझते नहीं है। जो बोले तुम जानते हो, यह बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम हैं उनके बच्चे आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमपिता परमात्मा परमधाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है। कैसे यह सारी माला बनती है पहले पहले बाप समझाते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परमधाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह फिरता रहता है, हम असल में कहाँ के रहने वाले हैं। हम सभी आत्माओं को भी पाठ बजाना है। पाठ का राज कोई समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म कहते, कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सत्व प्रधान थे, फिर सत्व रजो तमो में आए हैं, अब फिर संगम पर हम सत्व प्रधान बन रहे हैं। यह जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यह बातें तो बड़ी सहज है, जो बुढ़िया भी समझा सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते, यह भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ऊँचे ते ऊँचे शिव बाबा, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े। अब तुमको अपने 84 जन्मों के पाठ की स्मृति आई है। बुढ़ियों के लिए भी यह समझानी बहुत सहज है, तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, और यह 1 जन्म सबसे ऊँचते ऊँच जो सहज समझाते हो ना, कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझाती हो ना। कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, वास्तव में यह सारा कुरु कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, यह सारा कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है, तुम सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बतलाया है इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यह है, रावण का जन्म भी यह होता है। यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा भी यह भारत में ही आते हैं। भारत की बड़ी महिमा है, बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं।
तुम बच्चे 5,000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उसको 5,000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी महारानी कहा जाता था। वहाँ कोई दूसरा धर्म तो है नहीं, तो जो भी राजे होंगे वह विश्व के महाराजन भी कहलाएंगे। फिर यह फलाने गांव का, यह फलाने गांव का कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व के राज्य लेते हैं। बाप ने समझाया है तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो, तो बुद्धि में यह याद रहना है कि 4 युग और 4 वर्ण है। पांचवा यह लिप युग है जिसको कोई जानते नहीं है। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा कब आया? जरूर बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं, अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती ही नहीं है। न उनको मम्मा बाबा कहेंगे, वह तो महाराजा महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। यह कर्म भूमि है। परमपिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है, नहीं तो क्या आकर करते हैं जो इतनी महिमा होती है। तुम देखते हो शिव जयंती भी गाई हुई है, भले शिव पुराण लिखा हुआ है, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती। मुख्य है ही गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्मतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है, इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्मतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते, जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ। फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं, वह संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माता सिर्फ इतना धारण करें कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हरेक को अपने अपने समय पर आना है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता आता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परमपिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह तो तुम जानते हो। वह तो कृष्ण को समझ बैठे है। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कलप पहले पावन बने थे वही आएंगे। आखिर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। रचयिता नॉलेजफुल वह है ना, वर्षा बाप से ही मिल सकता है। दादा को भी उनसे मिलता है, उनकी ही महिमा गाई जाती है। तमेव माता श पिता तमेव, बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही दुख शुरू होता है। रावण बेसमझ बना देते हैं। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं। जब बालिक होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते कि तुमको शादी करनी है। लक्ष्मीनारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है? परंतु उनको पता ही नहीं कि उनका का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक है। यह ख्याल बुद्धि में आता नहीं है। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या यह भूल गए हो? भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। अब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बरोबर पावन भारत था, अभी तो मुख से कहते हैं हम पतित है। कोई लड़ाई आदि होंगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। मंत्र भी ऐसे जपते परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। है भी बड़ा सहज, गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है तो ब्रदर ठहरे ना।
बरोबर, हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं है, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। वही दूसरा बात नहीं है, ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बूढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है, हमने 84 जन्म पूरे किए, यह तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते हैं, मामे कम याद करो। शिव बाबा कहते हैं, लक्की सितारों है शालिग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, कृष्ण को छोटा समझते हैं। ब्रह्मा को भी ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, उनका छोटा रूप बनाते नहीं हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप दिखाते नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं वृद्ध तन में आता हूँ तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते हैं, मामे कम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते हैं, वह तो शिव शंकर मिला देते हैं। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है, आत्माओं का बाप अब परमपिता परमात्मा आए तो ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ियों को समझाना चाहिए। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आगे तुमको क्या बनना बनाया था, तो इतना तो कहे कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्रों को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे, वह फॉरेन तो दूर देश है ना, हम आत्मा सब दूर देश में रहने वाली है। हमारा घर देखो कहाँ से है, कहाँ है, सूर्य चांद से भी पार, जा कोई गम नहीं है। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है, हम वहाँ अशरीरी रहते थे, शरीर नहीं था, यह खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है, मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं मां जानते। बाप को तरस पड़ता है कि उनों के कानों में कुछ पड़ता रहे तो शिव बाबा को याद करें, देह अभिमान टूट जाए, नर से नारायण बनने की यह सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे, सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कहते हैं, और संग बुद्धियोग तोड़ो, सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उनसे भी यह बहुत ऊँची कमाई है, कहाँ भी जाओ बुद्धि से यह याद करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो, कितना सहज समझाते हैं। बूढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हमजिंस है। मैं मालिक बनूँ, हमजिंस न बने तो यह भी ठीक नहीं। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है, बुद्धि में ज्ञान आ गया है, सब कुछ जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊँची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है, सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। जहाँ निश्चय अटूट है वह विजय की भावी टल नहीं सकती, ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी है।
निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। वो बुराई में भी अच्छा ही का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द भी की भी अविद्या होंगी। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।